हाय फ्रेंड्स, मैं खुशीवाणी माय किचन वंडर्स में सबका स्वागत है। आज हम लोग कुकिंग नहीं कर रहे हैं। कुकिंग के साथ साथ घर को क्लीन करना एक बड़ा टास्क है हमारे लिए, तो ये मैं लेके आई हूँ आपके लिए गिनी वाइप्स। ये ऑनलाइन मिल जाता है और अमेज़न और फ्लिपकार्ट में ईजिली मिल जाता है। मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रही हूँ इसको। ये इतना ईजी हो जाता है हमारा क्लीनिंग टास्क घर का, रोज़ रोज़ का क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग, टेबल क्लीनिंग, वार्ड्रोब्स क्लीनिंग, सब इजी हो जाता है। देखिए, ऐसा रोल में मिल जाता है। इसको हम लोग ईजीली ऐसा टेयर करके यूज़ कर सकते हैं ऐसे शीट्स में। ये शीट्स 30x25 सेंटीमीटर्स का होता है और बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये 460 रुपीज़ तक होता है इसका 3 रोल्स का कॉस्ट, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। अभी देखिए, मैं भगवान का एक ऐसा डेकोर फ्रेम में साफ करके दिखाऊंगी। मैंने कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत गंदा है, तो आप देख सकते हैं कि कितना धूल होता है पूरे घर में, हर एक जगह पे। अभी मैं दिखाती हूँ एक एक को साफ करके। अभी तो मैं ये डेकोर फ्रेम भगवान का साफ करके दिखा रही हूँ। ये हम लोग वेट करके भी, मतलब गीला करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैं अभी फ़िलहाल ड्राई यूज़ कर रही हूँ। देखिए कितना धूल निकल के आया ना। अभी इसको बहुत बार रीयूज़ कर सकते हैं, और ये वॉशेबल है, और 10 से 15 बार तक हम लोग इसको वॉश करके सुखा के फिर से यूज़ कर सकते हैं। और ये किचन क्लीनिंग में तो इतना मदद होता है। देखिए एकदम स्टोव चकाचक क्लीनिंग हो जाता है। मैं एक स्प्रे बॉटल में लिक्विड डिटर्जेंट बहुत डाइल्यूट करके ले लेती हूँ, कोई अच्छे क्वालिटी वाला, और पूरा स्प्रे कर देती हूँ कुकिंग होने के बाद। फिर एकदम ए क्लीनिंग वाइप से मैं क्लीन कर देती हूँ। एकदम क्लीन एंड हाइजीनिक किचन स्लैब मिल जाता है हमको। देखिए एक झटके में क्लीन हो जाता है, हमको बार बार रगड़ने का नहीं, फिर उसका क्लोथ का वॉशिंग करने का नहीं, कुछ नहीं। जैसे टैप के नीचे एकदम ईजिली वॉश करके सुखा के फिर रीयूज़ कर सकती है। देखिए कितना फटक से बन गया है क्लीनिंग किचन स्लैब और स्टोव का। हमारा काम जल्दी हो जाता है और एकदम क्लीन एंड हाइजीनिक होता है। इसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करने के लिए सोच रही थी काफ़ी टाइम से। इसके साथ साथ हम लोग किचन के वार्डरोब्स के भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं वो स्प्रे यूज़ करती हूँ वीकली वंस, एक बार पूरा साफ हो जाता है। एकदम ड्राई वाले से हम लोग स्विच बोर्ड्स भी एकदम ईजिली क्लीन कर सकते हैं। देखिए कितना धूल एक झटके से निकल जाता है ना। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारा, इधर शुरू हो गया लॉकडाउन के बाद, तो इतना धूल जमता है कि पूछिए मत। एंड रेगुलरली क्लीन करते रहेंगे, हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, और इससे बहुत इजीली भी काम हो जाता है। मतलब एक झंझट ही नहीं है हमको, कोई कपड़ा लो फिर उससे करो फिर उसको क्लीनिंग करो, और वो भी उतना प्रॉपरली क्लीनिंग करना है ना, वो क्लॉथ्स को भी, जो डस्टिंग करते हैं वो क्लॉथ्स को भी, इससे वो बात ही नहीं है। एकदम क्लीन हो जाता है जल्दी और सूख जाता है। अभी देखिए मैं फ्रिज को साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रे कर दिया लिक्विड, और फ्रिज को एक बार ऐसा गीले वाइप से क्लीन कर रही हूँ। एक बार फिर ड्राई वाइप से इसको फिर से पूरा मैं वाइप कर दूँगी, तो फ्रिज एकदम चमकता है, जो ग्रीस है वो सभी निकल जाता है, जो हम लोग रेगुलरली यूज़ करते करते जैसा फ्रिज हो जाता है वो। अभी आई टीवी की बारी। टीवी तो हम लोग इतना सॉफ्ट कपड़े से क्लीन करते हैं ना, तो इससे इतना अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो इतना अच्छा सा क्लीन हो जाता है। देखिए कितना धूल आ जाता है एक ही झटके में, है ना कमाल का चीज़। और आई हमारी माइक्रोवेव के बारे में। अभी तो इसको भी मैंने स्प्रे कर दिया और इसको एक पूरा सा वाइप कर दिया, फिर से क्लीन एकदम न्यू माइक्रोवेव जैसा दिख जाता है। वो जो धागे जो रहता है माइक्रोवेव के ऊपर, वो सभी आसानी से हट जाता है, और माइक्रोवेव के अंदर भी बहुत आसानी से हम लोग साफ कर सकते हैं इसको, कोई बिना कोई टेंशन का। एंड देन वीकली वंस मैं तो कर देती हूँ, तो घर पूरा साफ सुथरा रहता है और जल्दी भी क्लीन हो जाता है, तो टेंशन ही नहीं है। ये देखिए फ़ोन, इससे बहुत सारे चीज़ क्लीन कर सकते हैं। घर के हर कोने कोने पे भी इससे पंखे क्लीन कर सकते हैं, ट्यूबलाइट्स क्लीन कर सकते हैं, खाने के बाद टेबल्स एकदम साफ़ हो जाता है,
स्प्रे कर दिया और साफ़ कर दिया। अभी देखिए इसको ईजिली वॉश कर सकते हैं हम लोग, टैप के पानी से ही एकदम सूख जाता है। देखिए कितना अच्छा सा क्लीन हो गया ना। तो किचन प्लेटफॉर्म तो एकदम क्लीन और हाइजीनिक रखने के लिए बहुत काम आता है। और ये इसको एक बार फिर से अच्छे से वॉश करके मैंने एक जगह पे सुखा के रखती हूँ। ये ज़्यादा जगह भी लेता नहीं है। ये देखिए ये पुराना है, मैं जो हर बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ उसको, अभी इसको हम लोग फेंके नए वाले से रिप्लेस कर दिया है। और ये ऑलमोस्ट ऑल 1 वीक 10 डेज तक हम लोग एक एक शीट को यूज़ कर सकते हैं। और क्लीन हाइजीनिक एकदम ईजी वाला ये गिनी वाइप्स आप भी ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में, सब में ईजिली मिल जाता है। मैं तो इसको रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये इससे ना हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और घर भी एकदम क्लीन साफ़ सुथरा दिखता है, उसके साथ साथ हाइजीनिक भी रहता है ना। कितने अच्छे बात है ना दोस्तों। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।